You are fine. Now, today I am going to teach you math. So every student, take out your books and come on the page number 22. Come on the page number 22. This page. Are you understand? Now, student, I am asking you what is the even number and odd number. So students, आप सभी को tables आती होगी 2, 4, 6 ऐसे सब का tables आता होगा. जिस टेबल में जो डिजिट आती हो वो हमारे इवन नंबर में यानी जिससे किसी का डिवाइड होता है यानी वो संख्या वो डिजिट जिससे किसी का भाग दे दे या डिवाइड कर दे वो हमारी इवन नंबर होती है. जैसे 2 भी किसी के टेबल में आता, 4 भी आता, 6 आता, 8 आता, 104 ये हमारी संख्या इवन नंबर. तो यहाँ पर क्या हुआ 104 के बाद क्या है 106 106 108 110. यानी ये डिजिट क्या है जो किसी भी टेबल या किसी भी डिजिट से कट सकती है. अंडरस्टैंड. ऑड नंबर क्या होता है? ऑड मतलब पुरानी. इवन मींस न्यू. तो जो न्यू चीज होती है वो कट जाती है और जो पुरानी चीज होती है वो नहीं कटती है. तो ऑड नंबर वो होती है जो किसी भी टेबल पर के बीच में नहीं आती है. जैसे 1 किसी के टेबल के बीच में आता है नहीं, 3 किसी टेबल के बीच में आता है नहीं, 5 किसी टेबल के बीच में आता है नहीं, 7 किसी टेबल के बीच में आता है नहीं. यानी वो डिजिट जो ऑड होती है यानी जो किसी भी टेबल से नहीं कटती है वो हमारी ऑड नंबर होती है. तो यहाँ क्या हुआ 105 107 109 111. यहाँ पर आएगा 111. गेट इट आउट? तो यहाँ 111 कट गया, 109 90 117. यानी वो डिजिट जो किसी टेबल से कट कर रहा है. ठीक है. वैसे 130 तो कट गया, 170 ये सब है डिजिट होती है अरे सर जो वैसे ही करते हैं जेंटी के टेबल से. आप बात करते हैं ओरिजिनल नंबर. तो स्टूडेंट्स ओरिजिनल नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी डिजिट की पोजीशन बताते हैं. पोजीशन पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड 33 यानी इसे पोजीशन बता रहा है. तो ये क्या है ओरिजिनल नंबर. जैसे 31 ओरिजिनल नंबर है. ठीक नंबर है तो क्या होगी ये हमारी ऑर्डर नंबर में है. ठीक है. फिर हमारी 75 यानी वो जो पे हमारी ऑर्डर नंबर होती है. देखा ना नंबर आर यूजिंग टेल अस ऑर्डर का पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये पोजीशन बता रहा है. तो ये हमारी क्या है ऑर्डर नंबर. ये हमारी क्या है ऑर्डर नंबर. लेकिन 31 ये हमारी ऑर्डर नंबर नहीं है. तो 83 हमारा ऑर्डर नंबर है, 75 ऑर्डर नंबर है, 90 ऑर्डर नंबर. जो किसी की पोजीशन बता दे वो हमारी क्या होती है ओरिजिनल नंबर. यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी किसी की पोजीशन बता दे वो क्या है ओरिजिनल नंबर. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन राइट करना है. राइट सेपरेट इवन एंड ऑड नंबर. तो वैसे स्टूडेंट मैंने आपको इवन एंड ऑड नंबर बता दिया है किस तरह में इवन एंड नंबर को फाइंड करना है और किस तरह ऑड नंबर को फाइंड करना है. ये डिवाइड होती आएगी जैसे 12 89 70 के टेबल से वो डिजिट जिसके लास्ट में हमारा ऑड नंबर आता हो सॉरी इवन नंबर आता हो वो हमारी इवन नंबर. जैसे 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये सब इवन नंबर है. 6 350 366 172 374 और 588 ये सब क्या है हमारे इवन नंबर. और वो डिजिट जिसका कोई चीज कट नहीं सकता वो हमारी ऑड नंबर है. नेक्स्ट स्टूडेंट ड्रॉ द स्ट्रिंग फ्रॉम द बैलून टू राइट टेक्स्ट. यहां पे टेक्स्ट पे हमें एटा लागू करना है, निशान बनाना है. तो स्टूडेंट देखिए लिखा है 680 680 कहां है ये. तो यहां पे इसको मैच कर दिया. 302 कहाँ है यहाँ. तो इसको भी यहाँ से मैच करना है. 155 तो ये क्या है 155 ये 100 कहाँ पर है ये. ठीक है. तो ये इस तरह हमें सबको मैच करना है. आई होप ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा. कोई डाउट हो तो आप स्कूल में आकर मुझसे पूछ सकते हैं. और ये जितना ही वर्ड है वो आपको अपनी अभी बुक्स नहीं करना है. गेट इट. क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ फोर्थ एंड थर्ड आपको नोटबुक में करना है. बाकी फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर आपको बुक्स में करना है. किसमें करना है बुक में. थर्ड एंड फोर्थ इसमें करना है आपको कॉपी में. सो स्टूडेंट आई होप यू एंजॉय दिस.
से स्टे हो गुड डे बाय बाय हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन हाउ आर यू आई होप यू आर फाइन एंड आई आल्सो फाइन टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी आज हम आपको हिंदी लैंग्वेज पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 वाक विचार सो लेट स्टार्ट नाउ वाक्य विचार बच्चों शब्दों के मेल से क्या बनते हैं शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं वाक्य में शब्द सही क्रम में लिखे जाते हैं तथा शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं जैसे जैसे दिए गए वाक्य को पढ़िए और विचार कीजिए जैसे रंजीता दूध पी रही है रंजीता क्या कर रही है रंजीता दूध पी रही है ये हमारा पूरा वाक्य हो गया मछली तालाब में तैर रही है और या बिल्ली है ये पूरा वाक्य है बच्चे खेल रहे हैं इसी प्रकार शब्दों के क्रम पर मेल को वाक्य कहते हैं जिससे अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है जैसे मोहित ने पत्र लिखा तो मोहित ने पत्र लिखा क्या हो गया ये पूरा हमारा वाक्य हो गया वाक्य कितने प्रकार के होते हैं वाक्य दो प्रकार के होते हैं नंबर वन उपदेश एंड नंबर टू विधेय और नंबर वन उपदेश में क्या आता है जिसके बारे में बात कही जाए जिसके बारे में बात कही जाए उसे उपदेश कहते हैं जैसे विजय कोई काम नहीं करता है अंकित मन लगाकर पढ़ता है तो इन वाक्यों में क्या है इन वाक्यों में विजय तथा अंकित के बारे में बात कही गई है तो विजय और अंकित इसके वाक्य है उपदेश के अतः वाक्य के इस वाक्य को उपदेश कहा जाता है विजय और अंकित उपदेश के अंतर्गत आते हैं नंबर टू विधेय उपदेश के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं जैसे महेश कोई काम नहीं करता है इस वाक्य में महेश के विषय बताया गया है तो महेश हमारा उपदेश हो गया कोई काम नहीं करता है हमारा क्या हो गया विधेय हो गया अतः वाक्य के इस भाग को हम विधेय कहते हैं अब कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं जैसे गीता खाना खा रही है तो गीता क्या है गीता हमारा उपदेश है और विधेय क्या है खाना खा रही है एंड हार्दिक बाजार गया है हार्दिक क्या है हार्दिक हमारा उपदेश है और बाजार गया है विधेय है नंबर थ्री राखी किताब पढ़ रही है राखी क्या है राखी आया उपदेश में और विधेय आया उसमें किताब पढ़ रही है इसी तरह से प्रीति नृत्य करती है प्रीति उपदेश है और नृत्य करती है विधेय एंड नंबर फाइव मैं अच्छा बच्चा हूँ तो मैं हमारा किसमें आता है उपदेश में और अच्छा बच्चा हूँ विधेय में आता है सो चिल्ड्रेन वाक्य विचार फिनिश चैप्टर नंबर